2000 में जी 1988-89 में पाकिस्तानी पहले ओपनर थे जिन्होंने तेज खेलना के वो सही अनुभव। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज निकाल के देख लें, ऐसे ही दूसरी दुनिया के दूसरे लोग एडवांटेज लेने के चक्कर में होते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्कल लूटने वाली क्रिकेट सईद अनवर, ठीक है। अगर वो देखो उसमें इमरान भाई ने देखा कि यार ये तो तेज खेलते हैं, इसको 15 ओवर क्यों ना इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, उनका दिमाग विजन और सामने से रिस्पॉन्स बहुत बड़ा आया सईद अनवर का। बिल्कुल, और वो एक ग्रेट प्लेयर निकले, दुनिया में एक नाम है, ऑस्ट्रेलियन सबसे ज्यादा नाम सईद अनवर का ले। बिल्कुल सही, कि जिस तरह की क्रिकेट सईद अनवर ने खेली है और प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कोई हल्की क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अभी भी आप उनके कभी क्लिप्स देखें, क्या टाइमिंग थी, क्या जबरदस्त गैप्स में खेलते, फुटवर्क कितना अच्छा था। तो ये क्रिकेट हमारी तो 88-89 से चलती है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जब लाला आए, लाला आ गया ओपनिंग में, देखिए आप नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो गया, ये दोनों 15 ओवर ऊपर से। और बीच में लाला ने बाद में पीछे भी इनिंगें खेली, मेरे साथ मिलकर खेली है चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में। इरफान पठान को मेरे ख्याल इसने फेंडी लगा दी कि थोड़ी बॉलों में 25-30 रन करके चले गए, थोड़ा टारगेट था। बिल्कुल 195 चेस कर रहे, लेकिन विकटें गिर गई थी हमारी। तो उस वक्त एक ऐसा पंच चाहिए था और लाला ने आके वो 25-30 रन किए, मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। मैं 81 नॉट आउट करके मैं आया था, लेकिन इस तरह की क्रिकेट आप खेल सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल ठीक है लाला, ये जो ब्रांड ऑफ नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके हवाले से बात करें, इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान बहुत पहले खेल चुका है, और आपने भी 1997 से आगाज़ कर दिया, सईद भाई उससे पहले इस ब्रांड की क्रिकेट खेल चुके थे, तो क्या माइंड सेट होता है और इसके पीछे रिस्क कितना होता है? खैर सईद भाई के साथ तो मैं अपने आप को नहीं शामिल कर सकता। सईद भाई जेन्युइन बैट्समैन थे, मैं एक तरीके से एज अ बॉलर मैंने क्रिकेट शुरू की एंड देन अपने आप को बैट्समैन के रूप में कोशिश की मैंने। देखें, एक तो आपका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। हम अगर एक बंदे के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की एक अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी हुई है, तो उसमें बेहतरी के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, क्या आपके पास ऐसा कोचिंग स्टाफ है या हमारे ऐसे कोचेज़ हैं कि जो शाहिद अफरीदी को अपने तरीके से क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, मुझे ये बताएं। असल चीज़ तो ये है, बॉब वुलमर की हम इसलिए बात करते थे क्योंकि वो हमें कहता था कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, अपने स्ट्रेंथ से ना हटो, अपने गेम को ना चेंज करो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, मैं जब चीफ सेलेक्टर बना तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हुई, T20 के हवाले से, तो मैंने कहा स्ट्राइक रेट जो क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं T20, वहीं से बच्चों के दिलो दिमाग में एक बात बिठा दें कि 130 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अब तो 130 का स्ट्राइक रेट वो शुरू में भी आप चांस लेके कर सकते हैं, या थोड़ा सा अपनी इनिंग बिल्ड करके भी आखिर में भी वो स्ट्राइक रेट लेके आ सकते हैं। तो वो अचानक ऊपर नेशनल टीम में नहीं होता, उसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट का कल्चर बनाते हो, आप नए बच्चों को अंडर 19 से लेकर या डोमेस्टिक क्रिकेट में जब T20 के फॉर्मेट आते हैं, हर बच्चे को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा स्ट्राइक रेट 125-130 रन ये होना चाहिए। जब आप नेशनल टीम में आओ तो आप उसी वही आपकी पहचान हो कि यार नहीं, इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, अच्छा परफॉर्मर है, हिटें अच्छी मारता है। तो ये सारा कल्चर पर डिपेंड करता है कि आपके नीचे कल्चर में है कि नहीं है। आपने कहा कि जो लड़का है जिस तरीके से अपने आप, जो उसका अपना जिस पर कॉन्फिडेंस होता है, जिसका अपना स्टाइल होता है, उस स्टाइल को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज फ़खर जमान को भेज दिया है ओपन पे बैटिंग करने के लिए, पिछले मैच में उनको आराम दिया गया था, तो क्या फ़खर अभी फॉर्म से निकलना ज़रूरी है? कोचिंग स्टाफ भी बात कर रहा होगा, कप्तान भी बात कर रहा होगा, फ़खर का जो नेचुरल स्टाइल है, आप यही आपका मशवरा है कि फ़खर उसी से जुड़े रहें और यही उनको कामयाब करेगा? देखें, नया बॉल करना, ओपन करना, ये कोई आसान काम नहीं है, और नया बॉल आपके सामने हमेशा टॉप बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। अब सारी टीमें जो है ना, अब वो अब जो भी प्लेयर आते हैं, जो लगता है कि उनकी लिए एक थ्रेट है, तो वो उस हिसाब से प्लान करके आते हैं। फ़खर की टेक्निकल चीज़ों की इश्यूज़ हैं, वो नए बॉल पे बॉल के ऊपर जाता है, बॉल को आने नहीं देता, उसका फुटवर्क का मसला है, बॉल अवे रहता है, बैट साइड से आता है, इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाती हैं। कोचिंग बहुत आगे चली गई हैं, अब हर प्लेयर के ऊपर होमवर्क किया हुआ होता है। देखिए, खेलना तो उसको अपने अपना गेम खेल के ही वो निकलेगा, या तो शुरू में वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए थोड़ा सा बॉल को मिडल करे एंड देन वो जहाँ कंफर्टेबल फील करता है, 5 बॉलरों में से एक आधा बॉलर ऊपर ऐसा आ जाता है जिसके ओवर में को आप बड़ा बना लेते हो, आप वो स्ट्राइक रेट को वापस
कर लेते हो, डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेट के साथ ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। फ़खर को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का अच्छी तरह पता है कि उसने पास्ट में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी है पाकिस्तान को, वो कोई बगैर परफॉर्मेंसेज के लिए से पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा, परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। आते हैं इस तरह के पैचेज आते हैं, बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों के ऊपर बहुत बड़े पैचेज आते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्लेयर पर होते भी वही है ना, दलेर होते भी वही है कि उस मुश्किल पैच में से निकलने वाला जो बंदा होता है, जो प्रेशर को ले लेता है, वो निकल जाता है। ठीक है लाला, आपने जैसे कि हम बॉब वुलमर का आज बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मिकी आर्थर इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं, तो वो क्या समझते हैं, टीम के साथ एक पहले भी रह चुके हैं, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है, तो किस तरीके से इसमें हेल्प आउट करते हैं? बाकी आपने एक बड़ी अहम बात की है कि आप बेशक आगाज़ में डॉट बॉल्स खेलें, उसमें एक इंडिया की इनिंग की जो है वो मिसाल जहन में आ गई है, 357 रन बनाए थे लेकिन उस इनिंग में 130 प्लस डॉट बॉल्स थे, बाद में उन्होंने कैसा ज़बरदस्त उसको कन्वर्ट किया और अपनी इनिंग जो फिनिश की 350 से ज़्यादा रन पर फिनिश की उन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ तक मिकी की आपने बात की है, मिकी के साथ जब ये कोच नहीं भी था पाकिस्तान का, मैं साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था किम्बरली, तो हमारे उस लीग का या टीम का ये हेड कोच था, अच्छा है, तगड़ा है, मेहनती है, सिंसेयर है, सबको एक ही लेवल पर ट्रीट करता है और काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी पैशनेट है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा हाईली रेट करता है वो बंदा, तो आई मीन के काफ़ी अरसे से कोचिंग सर्कल के अंदर काम कर रहा है, गोरा है और उसको ज़्यादा सियासत में पड़ता नहीं है, उसको अपने प्लेयरों का पता है कि कौन से प्लेयर उसके परफॉर्मर्स हैं, तो वो उन्हीं को लेके चलने की कोशिश करता है। भी जैसे अभी फ़खर की बात हुई है और आपने ब्रेंडन मैकलम का भी हवाला दिया कि वो जब ये खेल रहे हैं तो वो यहाँ वहाँ पर ज़हनी तौर पर सब ने तस्लीम कर लिया है कि अब हमने यही क्रिकेट खेलनी है, तो हमने शिकस्त जो नाकामियाँ उनको भी कबूल करना है, तो उसका मतलब ये कि एक एतमाद फिर खिलाड़ियों को भी मिला है कि अगर आप नाकाम होंगे लेकिन आपको मौके मिलते रहेंगे, तो फिर यही चीज़ तो फिर फ़खर के ऊपर भी लागू होती है क्योंकि उनके भी खेलने का अंदाज़ वही है। देखिए वो ऐसे ही खेलता है, मेरा ख्याल है कि उसको जब से आया है पाकिस्तान टीम में वो रन्स भी करता है, आउट भी होता है, उसकी यही स्ट्रेंथ है। जैसे शाहिद ने भी कहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है किसी भी प्लेयर की, उसको उसी में ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए। छोटी मोटी ट्यूनिंग होती है वो आप कर सकते हैं अगर प्लेयर भी एग्री कर रहा हो और उस पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि प्लेयर का एग्री करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ एज ए कोच, मैं वो समझ रहा हूँ कि इसको ठीक थोड़ा सा कर सकते हैं हम, आप एग्री ना करो वो बेहतर चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ है उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको खेलने देना चाहिए, वो उसी में कामयाब है। मेरा ख्याल है अगर शाहिद को रोका जाए तो वो फिर कैसे मारेगा छक्के, मुझे अगर कहा जाए अभी पहली बॉल पे छक्के मारने शुरू हो जाए तो मुझे सेट होना पड़ेगा, मुझे इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। हर प्लेयर की अपनी एक तरीका है खेलने का, उसकी स्ट्रेंथ है।